नमस्कार जी, मैं मंजू। कई रंगों के ये जो दिख रहे हैं खूबसूरत से ये फ्लावर्स, जो ब्रैकिकोम के स्वैन रिवर डेजी भी ने कहा जाता है, और भी बहुत सारे नामों से ये जाने जाते हैं। तो मैंने ये अपने नए चैनल मंजू नेचर लवर चैनल पे ये ग्रो करना सिखाए थे। वीडियो नंबर 102 देख सकते हैं, उन पे पूरी जानकारी पा सकते हैं। और इन्हें सितंबर अक्टूबर में ग्रो किया जाता है। तो हमारे यहाँ ये जो सर्दियों में खिलना स्टार्ट होते हैं और स्प्रिंग में भी रहते हैं, गर्मियों से पहले तक ये खिलते रहते हैं। तो ये बहुत सारे रंगों में पाए जाते हैं। ब्रैकिकोम की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। तो वीडियो नंबर 102 का अपडेट मैंने मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल पर भी एक अपडेट दिया था। उसमें मैंने बड़े पोट में जिसमें ग्रो करना सिखाए थे, तो बहुत सारे कई रंगों के फूल लगे दिखाए हैं। तो आज मैं ये बताऊंगी कि इसके जो सीड कैसे चुने जाते हैं। तो इसके जो सीड, जैसे जैसे फूल इसके ड्राई होते हैं, वैसे तो आप वीडियो नंबर 102 देखें तो उसमें जब मैंने सीड ग्रो करना सिखाए थे, तो वो सीड भी इसके बिल्कुल हल्के से सीड और जरा सी हवा लगने पे वो उठ जाएंगे। उन्हें ध्यान से आपने संभाल के रखना है। तो इसके सीड किस तरह से होते हैं, जैसे ये जो ये सेंटर में डिस्क बनी हुई है, जब ये फ्लावर पूरा ड्राई हो जाए तो हमें फिर इसको चुन लेना है। तो मैं अभी आपको चुन के दिखाती हूँ, जो दूसरे पॉट में लगे होते हैं उसमें मैं दिखाती हूँ। तो ये कई रंगों में, ये मैं बताती हूँ, ये होते हैं। और ये देखिए छोटा सा पॉट है जो मैंने खुद बनाया हुआ है, और अच्छे से बनाया भी नहीं था। और आधा लीटर का जो पेंट का डिब्बा मैंने मोल्ड के तौर पे बीच में रखा था, और आधा वो जो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ये यहाँ तक था। तो वो इतने से छोटे से पोट में भी, ये पोट देखने में बस बड़ा लग रहा है, अंदर कोई ज़्यादा जगह नहीं है, तो इसमें भी ये बहुत अच्छे से ये खिल रहे हैं। तो ऐसे वैसे जो कहा जाता है इनके लिए कि अगर ट्रांसप्लांट किया जाए तो ये अच्छे से चलते नहीं, और ये देखिए मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया तो ये मेरे खूब अच्छे से चल रहे हैं। और इनको खूब अच्छी धूप की ज़रूरत होती है, और हल्की अगर छाया मिल जाए तो उसमें भी ये चल पड़ते हैं कई रंगों के। तो ये देखिए ये हैं वाइट कलर के, और ये इस कलर के खिल रहे हैं, और अभी इस पे फ्लावर वर्ड्स खूब सारी आई हैं। तो इसमें छोटे से पोट में, तो इसका सीड कैसे चुनना है मैं वो बताती हूँ आपको, और अगली बारी फिर आप ज़रूर ग्रो करें। और जिन जगहों में, जैसे ठंडी जगहें होती हैं और गर्मियों में वहाँ पे बहुत जो है गर्मी नहीं होती है, जैसे हमारे जैसे ठंडक होती है यहाँ पे, तो वहाँ गर्मियों में उनका मौसम होता है, तो वहाँ ये गर्मियों में भी खिलते हैं उनके, खूब गर्मियों में भी और विंटर से पहले तक उनके खिलते रहते हैं। और कई जगह में ये पेरिनियल के तौर पे भी होते हैं, जैसे सीड गिरते रहते हैं, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, बीच का मौसम होता है, और जो इन्हें मतलब चलने के लिए सही होता है, तो उसमें तो ये सीड अपने आप गिरता रहता है और फिर उगते भी रहते हैं। पर हमारे यहाँ ये एनुअल के तौर पर ही ये लगाए जाते हैं। तो मैं इसका सीड अभी बताती हूँ किस तरह का होता है। तो ये कई रंगों के होते हैं, जो मैंने अभी छोटे स्पॉट में दिखाए वो अलग थे, और ये अलग हैं वाइट ही, पर इनकी डिस्क देखिए अलग है इस तरह से। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इनकी केयर जो भी करनी है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है इनमें, बहुत ही छोटे छोटे प्लांट ये हैं और ड्वार्फ जो हैं, और ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ड्रेनेज सिस्टम इनका बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो आपके ये प्लांट ख़राब होने लगेंगे और फिर इन पे जो मर भी सकते हैं और फूल भी नहीं आएंगे। तो इनके सीड आपको कैसे चुनने हैं, जब मैंने बताया कि इनका ये सेंटर, ये फूल पूरा सूख जाए सेंटर का हिस्सा, ये मैं बताती हूँ आपको। ये जैसे ये इनका सेंटर का हिस्सा है, ये सूख गया बिल्कुल, तो ये हमने चुनना है, केयरफुली चुनना है। तो ये मैं चुन लेती हूँ, और मैं किसी डिब्बे में रख के फिर मैं नज़दीक से इसके सीड दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं। और ऐसे सीड हैं कि ये बिल्कुल हवा से उड़ जाएंगे, और आपको इन्हें इंडोर ही रखना है। तो ये देखिए मेरे गमले में ये खिल रहे हैं, अब इनके ये सीड तैयार हो रहे हैं ये, और इनकी हल्की हल्की खुशबू जो बहुत ही बढ़िया प्यारी लगती है। तो ये मैंने चुन लिए हैं, और ये जो ये डिस्क जो चुनी है ये सेंटर में ये चुनी है, तो ये भुरजारा बस ये ऐसे, ये ऐसे, ये जो निकल रहा है ना, ये ही इसके सीड है ये जो दिख रहे हैं। तो मैं ये डिब्बी में डाले हैं, बहुत ही हल्के, बिल्कुल हल्के,
तो ये देखिए, ये मेरे ख्याल से मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, तो ये मैंने डिब्बी के नज़दीक से दिखाए हैं, तो बीच की जो ये डिस्क है उसी का ये हिस्सा है, और बिल्कुल हल्के हैं। ऐसे नज़दीक से दिखा रही हूँ तो थोड़े बड़े लग रहे हैं, इतने बड़े हैं नहीं, ये बिल्कुल हल्के हैं। जरा सी भी हवा चलेगी तो ये उड़ जाएंगे, तो यही इसके सीड हैं। ये जो डिस्क बनी होती है, ये इसके बीच में जो लगे होते हैं जितने भी फूल का ऐसा, और सीड ऐसे अलग से नहीं बने होते हैं, ऐसे घास फूस जैसे दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, और मेरे वीडियो जो ग्रो करने का था वो भी देख सकते हैं, और उसमें मैंने ये कागज़ में दिखाए थे कि ये सीड हैं इसके, वाइट और ऐसे ग्रे जैसा दिख रहा है ना ऊपर का हिस्सा डिस्क का, वो जो ब्राउन जैसा हो गया, और नीचे जो वाइट जैसे, ये हैं सीड इसके। नमस्ते जी, इस तरह से आप अगर सीड चुनना चाहते हैं, जिन्होंने भी ये ब्रैकिकोम लगा रखे हैं तो वो इनके सीड्स को चुन सकते हैं, और सूखने पे चुनना, गिल्ले मत चुनना। जब ये आपको सूखे नज़र आए तो तभी चुनना, ये चुन के फिर आप थोड़ा अंदर ही रख लीजिए, इंडोर रखिए, बाहर मत रखिए, नहीं तो ये उड़ जाएंगे, और इन पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये सूख चुके हैं, और उसके बाद एयर टाइट किसी भी बैग में डाल के ऐसी जगह में रख रहे हैं यहाँ पे मॉइस्चर ना आ सके, और फिर सितंबर अक्टूबर में आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। और अलग अलग करना चाहें अलग अलग फूलों के, तो अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे अलग अलग चुनना चाहें, अलग अलग फूल होते हैं ना इनके अलग अलग कलर के, तो उस तरह से भी चुनने चाहते हैं, और मिक्स करना चाहते हैं तो मिक्स कर दीजिए। अगर आप मिक्स कर देते हैं तो बाद में ग्रो करने के बाद जब फ्लावर्स आएंगे तो वो फिर सब अलग अलग कलर के एक ही पॉट में आपको दिख जाएंगे।